नमस्ते, इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। आई ग्रास्पर्स, अगर कभी आप किसी परेशानी या समस्या से जूझ रहे हो तो आप मन ही मन में ना घुलते रहें, बल्कि अपने परिवार के सदस्य और किसी शुभ चिंतक से बातचीत करें। हमेशा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो चलिए तैयार हो जाइए और आइए आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल की सुर्खियां हैं, CBSE और CISE बोर्ड के परिणाम घोषित हुए, PM मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में अद्भुत सोलर प्लांट का उद्घाटन किया, गूगल ने भारत में $10 बिलियन निवेश की घोषणा करी, डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी में पहली बार फेस मास्क पहना, रूस ने कोरोना वायरस की खोज के लिए प्रयास किए, गूगल ने केन्या में बलून के माध्यम से इंटरनेट सेवा शुरू की, कॉमेट नियोवाइज 20 दिनों के लिए भारतीय आसमान में दिखाई देगा, महीनों बाद खेले गए पहले क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, और हमारा बहुत ही आकर्षक F2 सेगमेंट। अब भारत के समाचार सुनने की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 यूनिट्स हैं। यह 1500 हेक्टेयर सोलर पार्क के बीच में 500 हेक्टेयर के प्लॉट पर स्थित है। हर साल लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कमी आने की संभावना है। वास्तव में क्लीन एनर्जी की दिशा में भारत का यह एक बड़ा कदम है। आई ग्रास्पर्स, कोरोना वायरस के कारण 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप CBSE और CISE ने छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक और तरीका अपनाया। ये परिणाम पिछले हफ्ते घोषित किए गए थे। दोनों बोर्डों ने इस वर्ष के लिए छात्रों की समग्र पास प्रतिशतता की घोषणा तो कर दी, लेकिन उन्होंने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की। इससे छात्र समुदाय में असंतोष की भावना आ गई है। फिर भी लखनऊ की दिवांशी जैन के लिए कई सेलिब्रेट करने का मौका है। दिवांशी ने CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षा 100% अंक लाकर पास की है। ऐसे कठिन समय में उनकी यह सफलता इस बात को उजागर करती है कि नियमितता और अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बहुत बहुत बधाई दिवांशी। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने पिछले हफ्ते गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन देने की घोषणा की। इस राशि से अगले 5-7 सालों में कुछ प्रमुख क्षेत्रों में काम किया जाएगा, जैसे लोगों तक कम कीमत में इंटरनेट पहुंचाना, प्रत्येक भारतीय को उनकी भाषा में जानकारी पहुंचाना, नए उत्पाद तैयार करना, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना और लोगों की भलाई के लिए जानकारी देना आदि इसमें शामिल है। ये सभी कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्रों में किए जाएंगे। ये भारत में डिजिटल इनोवेशन की ओर एक बड़ा कदम है। अब चलते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की ओर। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि अमेरिका कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है, इस सबके बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सभी रैलियों, भाषणों और सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनने से इनकार कर दिया था। अब उन्होंने पहली बार उस समय मास्क लगाया जब वे वॉशिंगटन से बाहर वॉल्टर रीड मिलिट्री हॉस्पिटल के दौरे कर रहे थे। वे वहां जख्मी सैनिकों और स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने गए थे। मेडिकल एक्सपर्ट्स की चेहरा ढकने की सलाह को 4 माह तक मानने से इनकार करने के बाद प्रेसिडेंट ने अब उसे मान लिया। खैर, मुझे पूरा विश्वास है एडवास्पर्स, आप सब अपने बचाव के सभी उपाय करते हुए मास्क भी पहन रहे होंगे। पूरा लैटिन अमेरिका कोविड की चपेट में है। इस महामारी से प्रभावित देशों में अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे स्थान पर है। पिछले हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति ने बताया
कि कोरोना वायरस की जांच होने पर वे पॉजिटिव पाए गए। साथ ही वेनेजुएला के अध्यक्ष दियोसदादो कबेलो और बॉलिवियन इंटरिम प्रेसिडेंट जनीन अनेस भी पॉजिटिव पाए गए। इन दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 13 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। विश्व के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसका वैक्सीन तैयार करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। रूस की सेचिनोव यूनिवर्सिटी ने इसका सफल परीक्षण मनुष्यों पर करने के लिए लीग ऑफ नेशंस को सहयोग देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, WHO के अनुसार पूरे विश्व में संभावित वैक्सीन की जांच की जा रही है। भारतीय अनुसंधान संस्थान भी इस दिशा में जोर शोर से इसके काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगा, लेकिन तब तक हमें सावधान रहकर अपने बचाव के सभी उपाय करने हैं, जैसे दूरी बनाए रखना, हाथ धोना और बाहर जाते समय मास्क पहनना। सुरक्षित रहें, सकारात्मक सोचें। दोस्तों, आज की दुनिया में स्कूल से लेकर शॉपिंग मॉल तक इंटरनेट के बिना जीना मुश्किल है। केवल एक बटन दबाते ही हम ऑनलाइन हो जाते हैं। पूरे विश्व में अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां इंटरनेट यूजर्स का प्रतिशत सबसे कम है। इसलिए गूगल की एक कंपनी अल्फाबेट की एक यूनिट लून ने केन्या में बलून पावर द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बलून से इंटरनेट। केन्या में लून ने आकाश में 35 बलून छोड़े हैं और यह अब केन्या का सबसे बड़ा तीसरा टेलीकॉम कैरियर बन चुका है। यह बलून केन्या में 31,000 वर्ग मील तक 4G नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं। है ना हैरानी की बात। स्पेस के बाहर जीवन, दोस्तों यह एक ऐसी संभावना है जिसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य इसके बहुत नजदीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर आइसी क्रेटर का एक नया खूबसूरत वीडियो जारी किया है, जिससे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना के दावों को बल मिलता है। 82 किलोमीटर चौड़ा और 2.25 किलोमीटर गहरा यह क्रेटर जमी हुई बर्फ से भरा हुआ है। यह बर्फ पूरे साल जमी रहती है। जीवन के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। यह नई खोज सोचने पर विवश करती है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। जरा सोचिए, है ना रोमांचक। न्यू आइस एक अनूठा धूमकेतु है जो आजकल आकाश में दिखाई दे रहा है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 200 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह धूमकेतु 14 जुलाई से उत्तरी पश्चिमी आकाश में दिखाई दे रहा है। यह रोज 20 दिन तक 20 मिनट के लिए दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है कि अगस्त में यह धूमकेतु दिखाई देना बंद हो जाएगा। पिछले हफ्ते नासा के एस्ट्रोनॉट बॉब बेनकिन ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से इसकी कुछ तस्वीरें लेकर ट्विटर पर डाली। तो चलिए अब वापस चलते हैं पृथ्वी की ओर पर्यावरण संबंधी समाचारों के लिए। IIT दिल्ली की एक स्टार्टअप कंपनी चक्रा इनोवेशन ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे N95 मास्क को कीटाणु मुक्त करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए N95 मास्क पर स्वास्थ्य कर्मियों के विश्वास को देखते हुए चक्र इनोवेशन ने चक्र डी को तैयार किया है। यह ओजोन आधारित एक ऐसी तकनीक है जिससे N95 मास्क का उपयोग दोबारा किया जा सकता है। इस तकनीक से मास्क को हर बार कीटाणु मुक्त करके 10 बार तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इस कठिन समय में आगे बढ़कर सहायता करने के लिए हम IITians के आभारी हैं। एक भारतीय आर्किटेक्ट हवा से निकलने वाले कार्बन को सोखकर उसे नए ढंग की टाइलें बनाने का काम कर रहा है। कार्बन क्राफ्ट डिजाइन संबंधी योजना बनाने वाले तेजस सिंधल ने लोगों की उन जरूरतों को पूरा करने का काम शुरू किया है जो उनको घर बनाने में मदद करती है। यह तरीका पर्यावरण के अनुकूल भी है। यह कंपनी एयर इंक द्वारा हवा से कार्बन निकालकर उसे मार्बल चिप्स और पाउडर के साथ मिलाती है, फिर
उन्हें दबाकर सुंदर डिजाइन की टाइलें बनाई जाती है। क्यों आई ग्रास्पर्स, है ना बहुत अनोखी बात। इस समय हमें इसी प्रकार के नए बदलाव की जरूरत भी है। अब समय है खेल कूद की बात करने का। करीब 4 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत हो गई। यह खेल कोविड के कारण रुका हुआ था। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेल शुरू हुआ, लेकिन साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए। प्रेस बॉक्स से लेकर इंग्लैंड की टीम के झुंड तक सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों पर नियमित रूप से नजर रखी गई। दर्शकों की संख्या भी बहुत कम थी। साउथहैम्पटन में पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज 4 विकेट से जीत गई और उसे 1-0 की लीड मिली। शायन गैब्रियल ने 9 विकेट लेकर शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। वेस्ट इंडीज के कप्तान जीसन होल्डर ने शान से अपनी इस जीत को सबसे बढ़िया जीत बताया। ईडन गार्डन्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका उपयोग कोलकाता पुलिस के लिए COVID-19 क्वारंटाइन सेंटर के रूप में किया जाएगा। कोलकाता पुलिस ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल से अनुरोध किया है कि स्टेडियम की गैलरीज का उपयोग क्वारंटाइन सुविधा के रूप में करने की अनुमति दी जाए। उन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। अभी तक कोलकाता पुलिस के 544 कर्मचारी इस वायरस के पॉजिटिव पाए गए, उनमें से 411 कर्मचारी स्वस्थ भी हो गए हैं। इसलिए नीचे के 5 गैलरियों का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जाएगा। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स, ईडन गार्डन्स को भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, क्योंकि भारत में इस खेल के लिए ऑफिशियली बनाया गया ये पहला ग्राउंड है। यह प्रशंसनीय बात है कि ऐसे खुले स्थान का उपयोग एक अच्छे काम के लिए किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आप 2 मील की दूरी से एक ब्लू व्हेल के दिल की धड़कन सुन सकते हैं? ब्लू व्हेल को सल्फर बॉटम व्हेल भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है और यह इतना बड़ा है कि इसकी जीभ का वजन एक हाथी के वजन के बराबर होता है। ब्लू व्हेल को सेंट लॉरेंस, कैलिफोर्निया और मेक्सिको की खाड़ी में देखा जा सकता है। अब आप सबके लिए एक प्रश्न। आई ग्रास्पर्स, दुनिया भर में ब्लू व्हेल की आबादी का पता लगाएं और igrasp@gmail.com पर अपने उत्तर हमें ईमेल करें। पहचानो कौन? ये नोबेल पुरस्कार विजेता दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वे रंगभेद नीति के विरोधी के रूप में प्रसिद्ध हैं। आधुनिक दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्र निर्माता को 1990 में भारत रत्न सहित 250 से ज्यादा पुरस्कार मिले हैं। इनमें ऑनररी डिग्रीज, सिटीजनशिप्स भी शामिल हैं। नेल्सन मंडेला को हमारा सादर नमन। क्या आपको मालूम है कि इस फिलान्थ्रोपिक विजनरी को 27 साल की जेल हुई थी? ये बिल्कुल सही है कि शरीर को बंदी बनाया जा सकता है, दिमाग को नहीं। आज का मुहावरा है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बूझो तो जाने, टोपी है हरी मेरी, लाल है दुशाला, पेट में अजीब लगी दानों की माला। बूझो बूझो मैं कौन हूँ, मैं हूँ लाल मिर्च। यह हमें हमारे समाचार रैप के अंत में ले आता है। आई ग्रास्पर्स, याद रखें, आत्मविश्वास से आप किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो जब तक हम फिर मिलें, अपने आप पे भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।